हेलो फ्रेंड्स, राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हमारे स्टूडेंट्स सोनी एलसीडी टीवी को ठीक करते हुए आपको दिखाएंगे। इस टीवी में 6 टाइम ब्लिंकिंग प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम क्यों आती है और इसे कैसे ठीक करना है आज इस वीडियो में हमारे स्टूडेंट्स बताएंगे। दोस्तों, एलसीडी एलईडी टीवी कोर्स के बारे में अगर आपको जानकारी लेनी है, अगर आप भी ये कोर्स करना चाहते हैं तो आप राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट में कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर नीचे स्क्रीन पर दिया हुआ है और आज इसी के साथ शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। और मैं आपको मिलवाऊंगा हमारे स्टूडेंट से। नहीं, ऐसे करो ना भाई, ठीक है, मिलो तो ठीक। मैं आपको मिलवाऊंगा अपने स्टूडेंट से। जो आपको बताएंगे अच्छे की सोनी एलसीडी टीवी में 6 टाइम ब्लिंक प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, तो शुरू करते हैं दोस्तों। आइए, कैमरा लाइए जी आगे जी। तो शुरू करते हैं जी। हाँ, तो क्या प्रॉब्लम है सर इस टीवी में? सर, इसमें 6 ब्लिंकिंग की प्रॉब्लम आ रही है। इसमें CFL खराब थी, हमने चेंज कर दी है, लेकिन इन्वर्टर लगाने के बाद भी फिर भी वही प्रॉब्लम 6 ब्लिंकिंग की प्रॉब्लम आ रही है। मेन प्रोसेसर को फीडबैक सिग्नल नहीं पहुंच पा रहा, तो ये आज उसी को हम रिपेयर करेंगे। ठीक है जी, शुरू करते हैं। ऑन करके दिखाए ना पहले, लिंकिंग दिखाओ ना पहले ऑन करके। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, खोल। तो ये ऑन करके दिखाओ। इसका इंडिकेटर शो, कोई बात नहीं, आप ऑन करिए। मैं कैमरा पास ले जाता हूँ। ये इंडिकेटर आप देख रहे हैं, ये ग्रीन हुआ है, अभी ऑफ हो गया। अभी ये टीवी 6 टाइम प्रोटेक्शन मोड में चला गया है। अभी 6 टाइम प्रोटेक्शन मोड पे ये आ गया है। तो ठीक है दोस्तों, अब करते हैं इसे ठीक। तो सर, इसमें क्या किया था आपने, मतलब आपके पास ये टीवी किस कंडीशन में आया था? इस कंडीशन में ही आया था, 6 ब्लिंक पे आया था। जी सर। तो आपको कैसे पता चला कि इसका इन्वर्टर ही खराब है? इन्वर्टर शॉर्ट है, इन्वर्टर पे हमने वोल्टेज चेक की थी, इन्वर्टर पे वोल्टेज आ रही थी, लेकिन CFL हमारी काम नहीं कर रही थी। CFL काम नहीं कर रही नहीं कर रही थी, तो हमने इसकी CFL निकाल के और LED स्टिक लगा के और एक इन्वर्टर बोर्ड असेंबल कर दिया। ठीक है, तो मतलब आपने इसकी ट्यूबें निकाल दी, तो मतलब अब इसका कोई काम नहीं है? कोई काम नहीं है। हाँ, अब जो ये है इसका कोई काम नहीं बचा है, अब इसका कोई काम नहीं है। तो अब इन्होंने क्या किया है कि यहाँ पर पीछे से ट्यूबें निकाल करके, ट्यूबें मैं आपको दिखा देता हूँ कैसी होती हैं ट्यूबें, जो आप ऊपर हमारे शोकेस में देख सकते हैं। ये जो सबसे ऊपर आप वाइट वाइट लाइनें देख रहे हैं, ये ट्यूबें होती हैं। पहले इसमें ये ट्यूबें लगी हुई थी और
अभी ट्यूबें निकालकर इसमें एलईडी स्ट्रिप लगा दी गई है, और एलईडी स्ट्रिप लगाने के लिए फिर उसको ड्राइव करने के लिए इन्होंने एक एलईडी ड्राइवर इसमें लगाया है, इसके कनेक्शन कर दिए हैं। लेकिन सोनी में एक जो प्रॉब्लम ये आती है कि जब आपके सोनी में सभी सिस्टम बिल्कुल ठीक होंगे तभी टीवी ऑन होता है, नहीं तो उसमें ब्लिंकिंग प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो जैसे अगर बैक लाइट में प्रॉब्लम है तो ये 6 टाइम ब्लिंकिंग पे पहुंच जाता है सेट, और अगर प्रॉब्लम कहीं और है पैनल में है तो 5 टाइम ब्लिंकिंग पे भी पहुंचता है। और इसके अंदर अब हमने क्योंकि एलईडी ड्राइवर लगाया है, तो एलईडी ड्राइवर लगाने के बाद अभी मेन सीपीयू यानी मेन मदरबोर्ड को ये पता नहीं चल रहा है कि इसका बैकलाइट ओके है या नहीं है। तो अब इसे हमने कंफ्यूज करना है, इसे ये बताना है कि हमारा जो बैकलाइट जो सर्किट है, हमारा जो बैकलाइट की जो प्रॉब्लम है या जो हमारी बैकलाइट है वो ओके है। तो ये जब तक इस सीपीयू को पता नहीं चलेगा जब तक ये टीवी पूरी तरह से ऑन नहीं होगा और इसमें 6 टाइम ब्लिंकिंग प्रॉब्लम बनी रहेगी। तो अब कैसे इसे कंफ्यूज करना है उसके लिए हम क्या करेंगे अर्शद, उसके लिए क्या करोगे आप? जी सर, बीएल एरर को जी हम ग्राउंड कर देंगे जिसका इसका प्रोटेक्शन टूट जाएगा। अच्छा, बीएल जो बैकलाइट एरर का जो इसमें कनेक्शन है जो कि यहाँ पर कैमरे में बड़ा जी बीएल एरर है, बीएलएम बीएल एरर। अच्छा, जो बीएल एरर जो है यहाँ पर कैमरे में ठीक से आ नहीं रहा जी, कोई बात नहीं। आने के बाद आपने बीएल एरर की तार जो है निकाल ली है जी, ये जो तार है निकाल ली बीएल एरर। अब आप इसका क्या करोगे? इसको ग्राउंड कर देंगे। अच्छा, इसको आप ग्राउंड कर दोगे तो उसे मेन सीपीयू को पता चल जाएगा कि है बैकलाइट जो है प्रॉपर ओके, यानी इसको ग्राउंड करके आप उसे कंफ्यूज कर देंगे और उसको आप सिग्नल भेज देंगे कि हाँ हमारी बैकलाइट ठीक है। तो एक बार करके दिखाएंगे जी सर। अच्छा, आप बिना टाके के ठीक कर देंगे? हाँ जी, इसके साथ बाद में कंफर्म करने के बाद आप फिर सोल्डिंग कर देंगे इसे। जी सर। तो ये ग्राउंड में लगा दिया है बैकलाइट एरर, और अब देखते हैं टीवी ऑन करके। हाँ, यहाँ पर इंडिकेटर आ गया, ग्रीन आ गई है, अब ये सोनी आ गया है। ये ठीक से कैमरे में आ नहीं रहा है, ये वीडियो ऊपर आप नज़दीक ला करके अगर हम दिखाएं तो इसके पैनल में कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, इसमें नो सिग्नल आ रहा है लिखा हुआ। और यहाँ पर ग्रीन लाइट जो आप देख रहे हैं, ये ग्रीन इंडिकेटर है, ये अब रेड नहीं हो रहा है और 6 टाइम ब्लिंकिंग इसकी ख़त्म हो गई है। अब इसकी 6 टाइम ब्लिंकिंग ख़त्म हो गई है और ये आप देख सकते हैं वीडियो, ये वीडियो 2 इस पे लिखा हुआ है, यहाँ पर ध्यान से देखने पर आपको पता चलेगा हाँ ये वीडियो लिखा हुआ है। अब ये टीवी 6 टाइम जो ब्लिंकिंग है उस प्रॉब्लम से ये अभी ठीक हो गया है। स्टूडेंट से बात करते हैं तो आपको समझ आया आपको कैसे करना होगा? क्यों सर जी? हाँ जी, अब आगे से कोई ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो कभी फंसेंगे नहीं, कर लोगे? कर लेंगे, हो जाएगा। ठीक है जी, तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो हम खत्म करते हैं और गुड बाय।